नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपका फ़ोन EMI का है और आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आए तो उसका कॉल ऑटो रिकॉर्ड हो जाए, तो आज की इस वीडियो में यही बताऊँगा कि EMI के फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डर को कैसे ऑन करते हैं। दोस्तों, EMI के फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डर लगाने के लिए आपको दो तरीका बताऊंगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ से हम आते हैं अपने सेटिंग में, और सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखलाई देगा ऐप का। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ऐप पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम ऐप सेटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम ऐप सेटिंग, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। सिस्टम ऐप सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन ढूंढना होगा कॉल सेटिंग का। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल सेटिंग्स, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कॉल सेटिंग्स पे। कॉल सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी सारी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाए तो आप इसे ऑन यहाँ से कर दीजिएगा। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का कॉल रिकॉर्डिंग हो और कॉल कट हो जाने के बाद हमें उसका नोटिफिकेशन मिले, तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ऑन करना होगा। बाय द वे, आप इसे ऑफ छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉल रिकॉर्ड हो तो यहाँ पे ये ऑटो सेलेक्ट रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे कॉल रिकॉर्ड ना हो, केवल सिलेक्टेड नंबर रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सिलेक्टेड नंबर पे। और सिलेक्टेड नंबर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको जाना होगा कस्टम लिस्ट में, यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर अपने नंबर को ऐड करना होगा। यहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलरी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसका आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप एक, दो या फिर दो से भी अधिक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉल रिकॉर्ड हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे इस टिक मार्क पे आप क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपकी सारे कॉल रिकॉर्ड होने लगेगी। अब दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि आपको आ जाना होगा अपने फ़ोन के डायलर पैड में। यहाँ पे इस डायलर पैड को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे आपको तीन लाइन मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद आप आ जाइएगा यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप इसे ऑन कर दीजिएगा। इसमें भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने सारे कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड नंबर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कस्टम पे क्लिक करके आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस नंबर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और किस नंबर को आप नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ कॉल रिकॉर्डिंग का, और अब हम जान लेते हैं कि ये हमारी कॉल रिकॉर्डिंग होके कहाँ पे जाता है, किस फोल्डर में रहता है। तो यहाँ पे आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना होगा। यहाँ पे आप फाइल मैनेजर ओपन कीजिएगा और यहाँ से आ जाते हैं हम अपने फोल्डर में। फोल्डर में आ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फोल्डर ढूंढना होगा EMI UI। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है EMI UI का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है साउंड रिकॉर्डर का, यहाँ पे आपको ओपन करना होगा इसे। और यहाँ पे देखिए कॉल REC लिखा हुआ है, कॉल रिकॉर्डिंग 1134 अब तक मेरा कॉल रिकॉर्ड हो चुका है। तो यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे फ़ोन में इतने कॉल रिकॉर्ड हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप इसे डिलीट एक एक करके, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।